दूसरी तरफ नवनीत राणा की बेल पर जश्न का माहौल मन रहा है। अमरावती में राणा के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि अमरावती से ही निर्दलीय सांसद है रवि राणा और अमरावती से ही उनके पति रवि राणा भी विधायक हैं। राजेश, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। एक तरफ तो जश्न का माहौल बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो एक और स्थिति बन रही है, उस पर हम जानेंगे आपसे डिटेल। योगेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र इस वक्त राणा दंपति के परिवार के साथ मौजूद हैं। जी योगेंद्र, बताएं। यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, शरबत बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि राणा के बड़े भाई। सर, क्या किस प्रकार की उम्मीद थी आपको सुशील जी? मैं बार बार सब कह रहा था, देख भगवान के हाथ देर है, अंधेर नहीं है, और जो अपनी देश की न्याय व्यवस्था है उस पर हमारा पूरा परिवार का, हमारे पक्ष का, कार्यकर्ता का विश्वास था, वो आज साबित हो गया कि न्याय देवता यहाँ पर मौजूद है और वो अन्याय नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे वापस एक बार देख सकते किस तरीके से यहाँ पे मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, एक दूसरे को बधाई दिया जा रहा है, शरबत बांटे जा रहे, पूरी तरफ से इनका घर यदि देखा जाए तो जश्न के माहौल में बना हुआ जयकार हो रही है। नवनीत राणा का जयकार किया जा रहा है, साथ ही साथ रवि राणा का जयकार किया जा रहा है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। और भी समर्थक उनके साथ, कितनी उम्मीद थी आपको? आज भी तो भाई की जमान भूल जाएंगे। मैं रोज भगवान से विनती करता था, उनके पिताजी और माताजी की क्या स्थिति है जब ये उन्होंने सुना जमानत की, तो क्या स्थिति? चलिए योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरावती में जश्न भी मनना शुरू हो गया, पटाखे वटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए फैशन कोर्ट के बाहर से। राजेश, जो दूसरे आप केस का हवाला दे रहे हैं, केस की जानकारी दे रहे हैं, इस पर और डिटेल्स दे दर्शकों को। जी देखिए, इस आज जो बेल का ऑर्डर आया है उसमें दूसरे केस का जिक्र नहीं, वो अलग केस है और उसे उस एफआईआर को कॉश करने के लिए राणा दंपति हाईकोर्ट जा चुका है। हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को कॉश करने से, यानी कि रद्द करने से मना कर दिया था और उसमें पुलिस को जरूर ये कहा था कि अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो 72 घंटे पहले बतानी होगी कि आप गिरफ्तार करने वाले हैं इन लोगों को। वहीं हमारी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से जो कल बात हुई थी, उनका साफ कहना है कि अगर बेल होता है वो नोटिस देंगे। उन्होंने एफआईआर जो है वो दिखाने के लिए दर्ज नहीं किया है, उसमें गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि 353 का जो मामला है, सरकारी कर्मी को, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में रोकने की वजह से वो दर्ज किया गया। तो पुलिस पूरे मूड में है, लेकिन अब देखना है कि पुलिस क्या नोटिस आज ही भेजती है या इंतजार करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी एफआईआर है वो मुसीबत बन सकती है राणा दंपति के लिए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर है सेशन कोर्ट से कि राणा दंपति को 10 दिनों के बाद बेल मिला है। अब आज बेल की डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी आएगी, यहाँ पे श्योरिटी को लाया जाएगा। राजेश, आप लगातार नजर बनाए रखे। इस बीच अमरावती में हमारे सहयोगी योगेंद्र तिवारी भी मौजूद है, उन्होंने नवनीत राणा और रवि राणा के परिवार वालों से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं नवनीत राणा और रवि राणा के घर पे हूँ, उनके पिताजी और उनके भाई हमारे साथ है। आखिरकार बेल मिल गई, क्या कहेंगे? अच्छा हुआ, उम्मीद थी आज। हाँ सर, क्या कहेंगे, बेल हो गई आज? हाँ, हमें न्याय देवता पे पूरा विश्वास था, हम वो न्याय देवता पे जो विश्वास था आज वो पूरा हो गया। और हमको अभी मालूम पड़ गया कि भाई ये देश में संविधान और न्याय जिंदा है। कितने भी आप झूठे आरोप लगाए तो आरोप को खंडन करने के लिए न्याय यहाँ पे मौजूद है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि भारत के पूरे न्याय प्रविष्टि का, कि उन्होंने ये हमको ये न्याय दिला है। आज सुबह से मैंने देखा बहुत विचलित दिख रहे थे मुझे। हाँ, निश्चित ही अभी फैसला आना था, अब किसके बाजू में आता, कैसा आता, वो स्वाभाविक है हमारा उसमें टेंशन में रहना। परंतु जो न्याय देवता ने हमको जो न्याय दिला है उसके ऊपर हम उनके बहुत सच्चे आभारी है।
क्या कहेंगे आप, पिता हैं, बहू भी अब तक जेल में थी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया, क्या जो किया वो भगवान के लिए करा। अभी खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है, काफ़ी घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। भाई और पिता का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें बेल मिल जाएगी, आखिरकार जज ने उन्हें उनके पक्ष में फैसला सुनाया और इनको पूरा विश्वास था कि पूरा न्याय इनके पक्ष में आएगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, अमरावती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।